हर एक्टर जब एक्टर बनता है तो किसी ना किसी एक एक्टर को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। जी हाँ, हर एक्टर के एक्टर बनने के पीछे की कहानी में एक एक्टर का हाथ छुपा होता है, और ऐसा ही एक किस्सा लेकर आ गई हूँ मैं। वेल, रणवीर सिंह किसे अपना भगवान मानते हैं और किसको लेकर काफी इमोशनल नजर आए बिग पिक्चर के सेट पर, चलिए आपको बताती हूँ। इस वक्त एक सोशल मीडिया पर प्रोमो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ रणवीर सिंह अपने भगवान के सामने रोते नजर आ रहे हैं, और ये भगवान और कोई नहीं बल्कि है गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा इंडस्ट्री के नंबर वन एक्टर की पोजीशन पर रहे हैं कई सालों तक। 20s में, 90s के सेकेंड हाफ एरा में वो वक्त था जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गोविंदा चलते थे। चाहे संजय दत्त हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आप कह लीजिए कि अमिताभ बच्चन हो, हर कोई गोविंदा के साथ फिल्में करता था और वो फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती थी। गोविंदा वॉज डेफिनेटली द हीरो नंबर वन ऑफ इंडस्ट्री, और अपने इसी भगवान के बारे में रणवीर सिंह ने अपने जज्बात खुलकर बयान किए हैं। जी हाँ, हाल ही में रणवीर काफी ज्यादा रोते हुए नजर आए, काफी ज्यादा इमोशनल होते नजर आए, और बिग पिक्चर जो कि कलर्स पर आता है उस दौरान रणवीर सिंह ने इंट्रोड्यूस किया गोविंदा को अपना भगवान कहकर। रणवीर कहते हैं, आज यहाँ इस मंच पर, इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर मेरे भगवान खुद आने वाले हैं। और उसके तुरंत बाद ही गोविंदा की एंट्री होती है, जहाँ पर रणवीर सीधा सीधा उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनके पैरों को पकड़ कर लेट जाते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के तौर पर एक जेस्चर उन्होंने दिखाया। इसी प्रोमो को पोस्ट करते हुए कलर्स लिखते हैं, वेरीफाइड हीरो नंबर वन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होंगे नंबर वन। देखिए द बिग पिक्चर, एक अनोखा क्विज शो। डेफिनेटली काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था रणवीर के लिए, और वो भी काफी इमोशनल होते नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गली बॉय जब रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज हुई थी, वो काफी अप्रिशिएट की गई थी वो फिल्म। उस फिल्म के बारे में भी बात करते हुए रणवीर ने एक बार कहा था दैट इट वॉज इन गली बॉय दैट taught him to rap, but he learnt it from Govinda. यानी कि गोविंदा से उन्होंने सीखा था कैसे रैपिंग करनी है, और हमेशा ही गोविंदा को अपना आइडल माना है उन्होंने। आपको क्या है कहना रणवीर के इस इमोशनल मोमेंट पर, बताइएगा जरूर।